मैसूर छुट्टे इतने तो इतने बहुत नुकसान हो गया। इतने देख लो तो फसल कि बर्बाद हो गई। मैं तो लगता नहीं कोई सरकार वालों प्रबंध किए होंगे, कोई मैं लगता नहीं इतने कोई कुछ भी। और मैं थोड़ा मतलब कर रही है, थोड़ा बेचारा अपने कर रहे हैं तो ये तुम देख लो की हाल है इतों का। ये देखो नहीं ये जड़ी रात बारिश पई है उदे कारण होया है। हाँ जी रात बारिश कारण होया जी। ये तो खुद लभन डे कि किन्ना का नुकसान होगा, खुद देखो की हिसाब किताब है। इतना सारा मंडी पानी भरया देखो, सारा ही देखो सारे पासे दही है, सब कुछ पानी पानी है सारे पासे। साढ़ा हक देना और की है, साढ़ा सारा सोने का नुकसान हो गया। देखो तुहाडे सामने ढेरी खड़ी है, पानी के बिच डुब गई है। जिन्नी देर ढेरी जी बोली होगी बोरिया नहीं भरिया गई, ढेरी साड़ी है तो पानी के बिच डुब गई है। फड़ पक्का पर फड़ बहुत पुराना बने दा है, नीवा हो गया सड़क नालों, इहदा निकासी नहीं हैगी कोई ना। इहदे कोल मंडी च कोई तरपाल की व्यवस्था है सरकार वालों ना कुछ। तो जिहड़ा नुकसान होया वो सारा जिमीदार का ही होया। मैं तकरीबन इत्थे 250 क्विंटल झोना लै गया दावे दे जनाब। खबर जी होंगे अं हर 6 महीने बाद मंडिया जाने, मंडिया जो हाल देखने मिलता है। हर साल मंडी च सीजन च एक बारिश हो ही जाती है, तो जो सीजन च बारिश हो जाए तो नुकसान होंगे ही होंगे। नहीं लभदी कुछ नहीं, कई बार घरों तरपाला लिया के दें इतने। असं यही कहने भी जो झोना नुकसान होना सा झोने का मॉइस्चर बढ़ गया तो उन्होंने उस मॉइस्चर हिसाब न भर के साड़ी पेमेंट पूरी की है, क्योंकि साढ़ा इतने कोई कसूर नहीं है। 16-17 मॉइस्चर झोना वढ़ के लिया जमीन चो इतने आ गया नुकसान होया, वो सरकार का कम ही सामना तरपाला दे कुछ भी कर। तरपाला दित्तियां कुछ इन घरों लिया के दित्तियां, इन्हों को किनिया तरपाला ही किनिया ढेरिया पेरिया ही, इन्हों बारदाना नहीं कई भी नहीं मिलता ढेरिया भरने वास्ते। फिर तरपाला थोड़िया बहुत इन्हों को भी होंगे, इन्होंने अपना माल भी ढकना ही, तो बाकी घरों लिया के भी दित्तियां कुछ ढेरिया नंगिया भी आई। देख लो सामने ढेरिया नंगिया भी आ गई। मैं बिहार से हूँ जी, मैंने इधर बुआ मंडी में आया था काम करने के लिए। यहाँ काफ़ी बरसात होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है और फसल जो है जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मंडियों में पानी भरा हुआ है और हम लोग को काम करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। कई दिन से 2-3 दिन से बैठे हुए हैं, खाने पीने का भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो फसल लेके आए हुए हैं इस मंडी में जिम्मेदार लोग, उनको ज़्यादा नुकसान हो गया, उसको भरपाई के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग मतलब मजदूर तो हैं, हम लोग की क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं मिल रहा, इसके चलते मुझे मुश्किल हो रहा है यहाँ खाने पीने की हर चीज़ की, और जिम ज़्यादा मुश्किल में है पानी में। अभी तो देख लीजिए आपको सामने है, काफ़ी ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरे हुए हैं। कम से कम इस मंडी में नहीं ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ एक फर्श पे कम से कम तो 2000 बोरी से ज़्यादा ही पानी में भी डूबे हुए हैं। एक फर्श की बात कर रहा हूँ, यहाँ मंडी में कई फर्श आरती हैं। नुकसान तो काफ़ी है सर, अनुमान करें तो कम से कम किसी का 4 किले की, किसी का 2 किले की धान तो अभी यहाँ बरामद है, नुकसान हुए पानी में डूबे हुए हैं। मुश्किल तो सर हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पानी में क्या होगा, मजदूरी हो सकता है क्या? पानी में कोई मजदूरी नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मौसम साफ होगा तो पानी उन्हें सूखने के बाद 2-4 दिन लगेगा ही, तब तक तो बैठ के खाना पड़ेगा। सरकार से ये मांग करते हैं कि जो किसान को नुकसान हुआ है उसके बारे में सरकार सोचे कि भाई जितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कल ओला भी पड़ा है, पत्थर भी बर्फ़ भी गिरे हैं, जिसका कारण खेतों में भी ज़्यादा नुकसान हुआ है।